अभी हम कालूचक में मौजूद हैं और चनाब कॉलेज ऑफ एजुकेशन के बाहर हैं, और यहाँ पे कुछ बच्चे जो हैं वो दरबदर हुए हैं, खासकर 2 मिनट 5 मिनट लेट आने की वजह से जो है उनको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया गया है। और हम बातचीत करेंगे यहाँ पे क्या दिक्कतें हैं जो यहाँ पे इन बच्चों को आ रही है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अर्जिता सिंह है सर, मैं साइंस कॉलेज से आई हूँ सर। मैं जल्दी जल्दी के कारण सर मैं वो आधार कार्ड भूल गई थी, तो सर मैंने इनको अपनी फ़ोटो भी दिखाई आधार कार्ड की, तो सर ये कहते हैं कि नहीं मोबाइल दिखाया में? जाए सर, मोबाइल में दिखाई। ठीक है, तो सर मैंने कहा 5 मिनट लेट हो जाएगी मम्मा, तो कोई इशू तो नहीं? कहते नहीं 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 सर, मम्मा आ गई 5 मिनट के बाद। आधार कार्ड तो लेके? सर आधार कार्ड लेके आ गई। अच्छा, तो सर इन्होंने अंदर जाने ही नहीं दिया सर, 5 मिनट लेट हो गया इंसान, तो सर इतना भी क्या इशू? कहते प्राइवेट व्हीकल नहीं है, क्या ये वो टाइमिंग नहीं थी है आपकी? सर। हमारी टाइमिंग थी 3:30 थी ना, 3:30 थी सर, 3:35 पे पहुंच गए होंगे घर वाले सर, तो 5 मिनट लेट, 5 मिनट लेट थे सर। सर इन्होंने इतना इशू बनाया, एसपीओ थी सर, इतनी बदतमीजी से बात कर रही थी सर, और भी वॉचमैन थे सर। हमने कहा जिनको वो भी सर भाग रहे थे सर, हमने कहा बात करो हमसे, क्यों नहीं कर रहे बात सर? कोई आ रहा नहीं था सर, हमने इतना फोर्स किया, इतना सर हम पे चिल्ला रहे थे सर। वो क्या रहा है, किस बात का एग्जाम है सर? ये एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम है सर, 12th बेस का एग्जाम है सर। 5 मिनट तो अलाउ कर ही सकते थे सर। सर ये कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम तो नहीं है कि तुम्हारा टाइमिंग ये था तो यही रहेगा सर? इतनी दूर दूर से आए सर, डोडा से बच्चे आए थे, भद्रवा से आए थे सर, वो चले गए अभी सर। एक पुंछ की लड़की आई थी सर, उसके पीठ में इतनी दर्द हो रही थी गाड़ी में बैठ बैठ के सर, वो चले गई सर अपने पापा के साथ। उसने फ़ोन किया सर, उसका भी कोई यही था, आधार कार्ड नहीं था, उसके पेरेंट्स भी लेके आए तो तब भी अलाउड नहीं किया सर, यही था। अभी भी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, ये दूसरी शिफ्ट में? हाँ जी सर, शायद दूसरी सर। ये भी थे भैया, हाँ इधर आ गया हो ना फिर सर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ सर। आप कितने बजे आए थे सर? मैं तो 4:35 पे यहाँ पे पहुँचा। टाइमिंग था। क्या थी? 4:30 रखी थी सर टाइमिंग, तो थोड़ा हमें यहाँ ट्रैफिक। 4:30 टाइमिंग रखी थी, 4:35 पे आप यहाँ पे पहुँच गए? 3:30 पे रखी थी टाइमिंग, तो हम 3:35 पे यहाँ पे पहुँचे। 3:35 पे आप यहाँ पहुँचे सर। पेपर 4 बजे स्टार्ट हुआ, सिर्फ एंट्री 3:30 थी, और मैं 2 मिनट लेट आई। मैं चिनानी से भी दूर की हूँ, मेरा नाम शिल्पा शर्मा है। अच्छा। मैं मुझे चिनानी आने के लिए 45 मिनट लगते हैं। मैं रिसिप्ट दिखाना क्या है, एक मिनट वेट। आपने तो आधार कार्ड भी साथ में? हाँ जी, 2 मिनट लेट थी बस सर, ये सिर्फ 2 मिनट लेट थी। बोल रही है एसएससी का रूल है, हम बाहर इतनी सी बात थी बस, और 2 मिनट लेट होने के कारण इन्होंने एंटर नहीं होने दिया। हमारी पर्सनल गाड़ी तो नहीं है, हम इतनी दूर से उठ के आए हैं, तो हमारी अगर बात नहीं सुन गई ये एसपीओ और ये गार्ड्स इतने चिल्ला रहे हैं हमारे ऊपर कि हाँ। हाँ जी बिल्कुल किया सर, हमारी बात नहीं सुनेंगे तो सर ये किनकी सुनेंगी? हम 5 मिनट लेट हुए सर, हमें तो अंदर जाना चाहिए, हमारी नहीं सुनेंगी तो वो किनकी सुनेंगी सर? फैमिली प्रॉब्लम करके फैमिली अलो करती है कि हाँ जाओ, हम लोकल तो नहीं है, जाओ, हमारी प्राइवेट व्हीकल नहीं है, हम गाड़ी से आए, ट्रैफिक होता है, सो इशू होते हैं। लेट हो गया, हम ज़्यादा लेट नहीं हुए थे। मैं तो सर डिस्ट्रिक्ट डोडा तहसील गुंदा। जी सर, ब्लेस जी जी। मतलब आज ही स्पेशल इसी के लिए आए या कल आए हैं? जी सर आज ही स्पेशल आए थे, थोड़ा जो इधर ट्रैफिक रूल जो थे ना सर, ट्रैफिक वहाँ पे थी, तो ट्रैफिक की वजह से हम थोड़ा लेट हो गए, 2 मिनट लेट हुए थे बस टोटली 2 मिनट। सर एक बार सर खोल रहे भी थे, कोई वॉचमैन था वो खोल रहा था गेट, तो सर दूसरा अंकल आया, उसने कहा सर को कि नहीं खोलना तेरी ड्यूटी चले जाएगी। सर ये क्या बात होगी तेरी ड्यूटी चले जाएगी? तो हमारा जो पेपर है सर, अभी पेपर स्टार्ट भी नहीं हुआ था, 4 बजे पेपर स्टार्ट था सर, जो हमारी कोचिंग के पैसे वो कहाँ चले गए सर? जो इतने पैसे दिए हैं यहाँ 8-8, 10-10 हज़ार दिए कोचिंग पे सर, उसका क्या करेंगे अब हम? आप किन के साथ हो? सर ये मेरी मम्मा है, ये आधार कार्ड लेके आए थे, तो सर ट्रैफिक थी तो आपने बात की इनके साथ कॉलेज वालों? हाँ की, उन्होंने खोला ही नहीं, बोलते नहीं खोलना। क्या क्या बातचीत हुई आपकी इनके साथ? मैंने बोला खोल लो, इतनी दूर से आई हूँ मैं, तालाब दिल्लो से आई हूँ आधार कार्ड लेके, 2 मिनट फिर क्या हुआ, 4 बजे पेपर स्टार्ट है, बोलते नहीं अभी नहीं खोलेंगे। उन्होंने उनके साथ बात ही नहीं किया, वो एसपीओ इनके ऊपर भी चिल्ला रही थी, ये कोई बात हुई? हम डिसिप्लिन से रह रहे हैं, ये क्या कर सकते हैं, हमारा स्टूडेंट है ना सर, हम इतने डिसिप्लिन से चले गए। उदयपुर से आए थे बच्चे, लड़के चले गए, चले गए वापस घर, पहुँचना हम भी लोकल नहीं है, मुझे अभी चिनानी पहुँचना है। उसकी एक लड़की सर अभी चली गई घर के लिए, बोल रही है 5,000 मेरा खर्चा हुआ, अभी रो रही थी बेचारी यहाँ पे, अभी चली गई घर के लिए, 4 बजे घर से निकली थी स्पेशली, वो इतना रो रही थी, इतना रो रही थी, उसको फिर भी नहीं जाने दिया सर। सर हमारी कोई सुन रहा ही नहीं है। क्या मांग करते हो आप सर? हमें सेकंड वाली शिफ्ट में डालें। यस सर, हम यही, हमारी कोचिंग वगैरह जो वेस्ट हुई, हम इतनी दूर से उठ के आए, हमें इनको क्या पता हमें कितनी फैमिली प्रॉब्लम है, लेकिन ये लोग थोड़ा समझ रहे हैं। सेकंड शिफ्ट में डालें सर, हमें सेकंड शिफ्ट में चाहिए चाहिए। अगर हम ही एग्जाम नहीं देंगे तो ये किसको एम्प्लॉय रखेंगे? हम ही इतनी दूर से स्ट्रगल करके आ रहे हैं ना इधर।
तो आपकी बात हो रही है किसी के साथ? इधर किसी ने हमारी बात नहीं सुनी, गार्ड और बहुत मिसबिहेव किया हमारे साथ, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी, कहते हैं जाओ घर जाओ घर जाओ। सर कोई सर तक किसी ने बात नहीं पहुंचाई, जो HOD यहां के है ना, HOD सर के सामने किसी ने बात नहीं हमारी नहीं पहुंचाई। हमने दो बार, मैंने सरदार सर यहां पे अंदर है सर के साथ मैंने बात की, बोल रहे हैं अभी दो चार जो बहनें हैं ये भी हैं, बाकी बच्चे वहां पे भी हैं, बहुत हैं, 100-150 बच्चे यहां पे अवेलेबल हैं सर। तो सबको मैंने बोला हम मीडिया वालों को बुला रहे हैं, आप यहीं पर ठहरो, हम उनके साथ बात करेंगे। अब बच्चे बेचारे चले गए, बाकी तो जी एक पुनिस की लड़की वो तो चली गई बेचारी। अब हम जो डोडा के जो हम इधर ही रहने वाले हैं, आज तो हम कुछ ना कुछ करके जम्मू में बैठेंगे, घर थोड़ा ना पहुंच सकते हैं, आज इतनी दूर से उठ के आना है। कोई ऐसे भी बच्चे थे जिनको लेट टाइम में छोड़ा गया या कुछ इस तरह का हुआ? सर मैं 3:32 पे इधर पहुंची और मेरे से 2 मिनट लेट थी सर, दरवाजा खुला ही था पर, बट इसको नहीं जाने सर, नहीं छोड़ा। बोल रहे ना सर, जो कल के जो बच्चे 10 रह गए थे आज उनको शिफ्ट में मतलब एडजस्ट कर दिया, फास्ट शिफ्ट में ऐसे ही सर, जो टाइम में जो रह गए थे जी आज सुबह मॉर्निंग जो शिफ्ट। आपको भी शिफ्ट मिलेगी? तो सर हम यही मांग कर रहे हैं ना सर को, यही मांग कर रहे हैं कि हमें शिफ्ट मिले सर, हम यही मांग कर रहे हैं। आपकी डेट और टाइम आज का ही है, आपका बेंच खाली है, बट आप नहीं जा सकते, टाइमिंग यही है सर। वो तो हम पर डिपेंड करता है कि हमने कितना अटेम्प्ट करना है पेपर, कितना नहीं। पेपर 4 बजे स्टार्ट होना था सर, हमें फिर भी नहीं जाने दिया गया सर, इतना मिसबिहेव किया कि देने का तो मौका मिलना चाहिए था सर, मिलना चाहिए था। यही हमारी मांग, हमने इतनी कोचिंग ली थी, वो बात अलग है, हो ना हो लेकिन हमें अंदर तो जाने दो ना। ये कौन सा रूल है, कोई UPSC का एग्जाम है, बिल्कुल 12th बेसिस पे एग्जाम ले रहे हैं। तो ये सारा मामला है कालूचक में, ये चिनाब कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, यहाँ पे ये बच्चे जिस तरह से क्लेम कर रहे हैं कि 5-5, 10-10 मिनट लेट आने की वजह से जो है इनको अंदर इंटर जो है वो नहीं होने दिया, और अभी भी देखेंगे आप काफ़ी रश है यहाँ पे। ये शायद दूसरी शिफ्ट जो जिनके एग्ज़ाम होने हैं वो लोग हैं, और ये बच्चे जिस तरह से क्लेम कर रहे हैं कि कुछ बच्चे बच्चियाँ जो हैं यहाँ से चले भी गए हैं, रोते हुए चले गए हैं, और गुहार यही लगा रहे हैं कि इनको कल की शिफ्ट में जो है वो मौका दिया जाए ताकि ये भी अपना भविष्य जो है उसको बना सकें। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया, मैं फाजा मडैंग कैमरामैन शाहनवाज के साथ।